हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शोंगिता। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप मलाई से डायरेक्ट घी निकाल सकते हैं। ये है मलाई, ये है मेरा 1 वीक का मलाई जो मैं फ्रिज में रखी थी। अब ये मलाई को हम 3-4 घंटा पहले फ्रिज से निकाल के रख दिए थे। इस मलाई को हम फेटेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। इस मलाई से हम डायरेक्ट इसका घी निकालेंगे, तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम कढ़ाई रख दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो गया, इसे हम डाल देंगे। उसमें हम ये मलाई डाल देंगे और इसे हम ऐसे चलाते रहेंगे। देखिए, ये जो मलाई जो एकदम क्लॉट हो गया था, ये धीरे धीरे ऐसे एकदम लिक्विड हो गया है। जैसे इसमें ताप लगेगा ना, गर्म लगे होगा, ये ऐसे ये एकदम लिक्विड हो जाएगा। और ये घी देखिए छोड़ना भी शुरू कर दिए, ये जो ऊपर ऊपर ये घी छोड़ना भी शुरू कर दिए। अगर आपको टाइम नहीं है या कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से आप इसे मक्खन नहीं निकाल सकते हैं, तो आप डायरेक्ट मलाई से भी इस तरह से घी बना सकते हैं। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा से चलाते रहेंगे। गैस हम थोड़ा सा फ्लेम इसका एकदम स्लो था, थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। और इसे हम ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम बाद चलाते रहेंगे। ये देखिए 20 मिनट्स तक हम इस तरह से इसे चलाते रहे, तो ये देखिए कितना अच्छा घी निकल आया है। और अब इसे थोड़ा सा कंटिन्यूअसली ऐसे चलाना है। इसका जो इसीलिए चलाना है, इसका जो एक्स्ट्रा कैसे निकलता है, इसको तो पहले से हम लोग मलाई निकाले नहीं है, इसका एक्स्ट्रा थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है। और इसको बार बार ऐसे चलाते रहेंगे तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा कम निकलेगा, घी इसमें ज़्यादा निकल आएगा। तो इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम में चलाते रहना है। और इसे हाँ, और थोड़ा सा हम इसको जलाएंगे, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये एकदम ब्राउन हो जाएगा, तब हम घी को तब बंद करेंगे, मतलब इसको पकाना तब बंद करेंगे। एक मलाई से घी निकल सकते हैं। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।